हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में। गुटनिरपेक्षता का आरंभ कैसे हुआ और इसकी नीतियाँ क्या थीं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जब देश के बीच प्रतिद्वंद्वता, तनाव और संघर्ष तो जारी रहा, लेकिन यह संघर्ष और तनाव युद्ध का रूप नहीं लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र शस्त्र तनाव में किसी से कम नहीं थे। दोनों गुटों में तनाव प्रतिद्वंद्वता सदैव चलती रहती थी, लेकिन दोनों में कभी भी सामने सामने का युद्ध शुरू करने का प्रयास नहीं किया। इसी तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध से ही गुट निरपेक्ष का आरंभ हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ की गुटों में शामिल ना होकर स्वतंत्र गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने की विदेशी नीति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणादाता जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, जोसेफ बास्टेटो, गमाल अब्दुल नासिर और वामे एंड कुमा थे। इसका असली उद्देश्य था किसी अन्य देश के बनाए गए गुटों में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाए रखना। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने वाले देश अपने देश व विदेशी नीति के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होते हैं। उस पर किसी गुट की नीति को अपनाने का दबाव नहीं होता। आइए अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति के क्या उद्देश्य थे। इसका पहला उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता या शांति स्थापित करना था। इनका दूसरा उद्देश्य न स्वतंत्र राष्ट्र और पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास को प्रोत्साहन करना था। इनका तीसरा उद्देश्य शीत युद्ध से बाहर रहते हुए विकासशील राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था, और यह इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसका चौथा उद्देश्य संसार में विकसित देशों से विश्व में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित कराना था। इसका पांचवा और महत्वपूर्ण उद्देश्य निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुट निरपेक्षता का निर्माण किया गया।